अब हम लोग इलस्ट्रेशन में जाने से पहले एक बार एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो चलिए पहले लिखना स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, उससे पहले आप लोग को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना है, ये रहा सीए स्टडी हब, और टेलीग्राम पर भी आप लोग को ज्वाइन करना है, जहाँ पे आप लोग को नोट्स मिलने वाला है जिसे आप डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये दोनों आप लोग काम कर लीजिए जल्दी से, फिर स्टार्ट करता हूँ। तो आ जाइए कॉपी में, एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो लिखिए नेट ओन फंड, नेट ओन फंड। अब ये क्या होता है ये समझेंगे, उससे पहले लिखिए हाउ टू कैलकुलेट नेट ओन फंड। तो किस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसमें लिखिए सबसे पहले नेट इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर लिखिए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, तो ये हम लोग का आ जाता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड है ये हम लोग का आ गया। अब इस शेयर होल्डर फंड में से हम लोग माइनस करेंगे लेस लॉसेस, अगर डेफर्ड एक्सपेंस होता तो डेफर्ड एक्सपेंस भी हम लोग माइनस करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है तो ये भी हम लोग माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के बाद हम लोग को क्या आ जाएगा, ये सारे माइनस करने के बाद हम लोग को आ जाता है टोटल ओन फंड। माइनस करने के बाद हम लोग को आ गया टोटल ओन फंड। अब इस टोटल ओन फंड में से माइनस करना है हम लोग को लेस इन्वेस्टमेंट स्लैश लोन टू सब्सिडरी, तो ये हो गया लोन टू सब्सिडरी कंपनीज, ब्रैकेट में ग्रुप कंपनी लिख दीजिए, इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड, 10% ऑफ टोटल ओन फंड, ये जो भी होगा वो हम लोग को माइनस करना है, और ये माइनस करने के बाद हम लोग को आ जाएगा नेट ओन फंड। और इस नेट ओन फंड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कैपिटल टायर वन। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि नोट नेट ओन फंड हम लोग को किस तरह से निकालना है, ये आप लोग लिख लिए होंगे, एक बार लिख लीजिए पॉज करके, या जैसे भी, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ये क्या होता है। तो चलिए देखिए यहां पे सबसे पहले नेट ओन फंड, तो नेट ओन फंड हम लोग किस तरह से निकालेंगे,
देखिए, जो भी शेयर होल्डर फंड होता है क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर फंड होता है वो हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे, जिसमें क्या आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आ गया, बिकॉज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बाद में जाकर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरली जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो भी रिजर्व हो गया वो यह ऐड हो रहा है यहाँ पे, और कैपिटलिज्म में ये जो रहा हम लोग के पास कैपिटलिज्म है, तो जो कैपिटलिज्म यहाँ पे रियलाइज इन कैश में होगा, जो कैपिटलिज्म कैश में रियलाइज हो सकता है, तो यहाँ पे वो भी हम लोग को ऐड करना है। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व हम लोग को ऐड करना है कि नहीं, तो आंसर इज नो, बिकॉज वो तो रियलाइज कैश में नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग को रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं ऐड करना है। तो हम लोग को क्या क्या ऐड करना है, देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें कैपिटल रिजर्व जो रियलाइज इन कैश होगा वो हम लोग को ऐड करेंगे, तो ये हम लोग को क्या आ जाता है, तो ये हम लोग को आ जाता है शेयर होल्डर फंड। अब इस शेयर होल्डर फंड में से हम लोग को माइनस क्या करना है, तो जो भी अगर कुछ भी लॉसेस होता तो लॉसेस को माइनस करना है, अगर डेफर्ड एक्सपेंस होता तो डेफर्ड एक्सपेंस को भी हम लोग को माइनस करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी माइनस करना है, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल ओन फंड, टोटल हम लोग का क्या आ जाएगा, ओन फंड। और उस ओन फंड में से हम लोग को इन्वेस्टमेंट या लोन टू सब्सिडी कंपनी या ग्रुप कंपनी जो भी हो गया वो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, तो इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड। तो यहाँ पे देखिए, जितना टोटल ओन फंड हो गया, जो ये हम लोग का टोटल ओन फंड हुआ, अब इस टोटल ओन फंड का जो 10% निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका, हम लोग 10% निकालेंगे, और देखिए 10% ये हम लोग निकाल के रख लिए, और इसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट में से 10% माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वही एक्चुअल में ये हो जाएगा। जैसे ये मान के रखो लोन का है, ये हम लोग का लोन का अमाउंट रहा, इसमें से हम लोग 10% माइनस करेंगे, तो ये 10% माइनस करने के बाद जो भी हम लोग आएगा, जो अमाउंट आएगा वो क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, जब हम लोग सम्स करेंगे तो और आप लोग को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार के लिए आप लोग बताइए मेरे को कि कैसे निकालेंगे हम लोग नेट ओन फंड, तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग को इक्विटी शेयर से स्टार्ट करना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को हम लोग ऐड करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करने के बाद रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ सकता है, तो जनरल रिजर्व हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लेना है, बता रहा हूँ आपको, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग को फ्री रिजर्व लेना है, तो फ्री रिजर्व में हम लोग को क्या आ गया, फ्री रिजर्व में सबसे पहले आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकते हो, कोई बात नहीं फ्री रिजर्व में, फिर उसके बाद हम लोग का क्या आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, तो ये सब सारा तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में कैपिटल रिजर्व भी यहाँ पे आने वाला है, कैपिटल रिजर्व का सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट जो रियलाइज इन कैश था, तो ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, उस शेयर होल्डर फंड में से हम लोग को माइनस क्या करना है, तो हम लोग को माइनस करना है अगर लॉसेस आता है या डेफर्ड कोई भी एक्सपेंस है तो वो हम लोग को माइनस करना है, एंड उसके बाद हम लोग को माइनस करना है लोन हो गया, लोन टू सब्सिडी कंपनी या इन्वेस्टमेंट हो गया जो एक्सेस ऑफ 10% होगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये समझ में आ गया, एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ फिर से, उसके बाद जब हम लोग सम्स में जाएंगे तो आप लोग को इजिली कर पाओगे वो सम्स। तो देखिए, नेट ओन फंड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते थे शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये हम लोग आगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे जितना भी होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सा होगा, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ लिख देता हूँ CPSC, तो ये हम लोग का कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इसमें हम लोग ऐड करेंगे जनरल रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करना है, तो ये सब सारा हम लोग ऐड करते जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये ऐड करने के बाद हम लोग को क्या जाएगा, और उसके बाद कैपिटल रिजर्व भी हम लोग को ऐड करना है, कैपिटल रिजर्व कौन सा पार्ट, तो सिर्फ और सिर्फ जो रियलाइज इन कैश हो सकता है, तो ये हम लोग को ऐड करने के बाद क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड आ गया। अब इस शेयर होल्डर फंड में से हम लोग को माइनस करना है जो डिफर्ड एक्सपेंस है, या अगर कुछ भी लॉसेस हैं तो लॉसेस भी हम लोग को माइनस करना होगा, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल ओन फंड, तो टोटल ओन फंड हो गया, जो इक्विटी शेयर का कितना फंड है, टोटल ओन फंड, इसमें से हम लोग को माइनस करना क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट को माइनस करना होता है, और यहाँ पे लोन टू सब्सिडी, और ये माइनस करना होगा इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड, तो इन एक्सेस ऑफ टोटल ओन फंड 10% ऑफ ओन फंड, ये माइनस करने के बाद जो भी हम लोग का अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेट ओन फंड। और इसी के साथ ये हम लोग का कॉन्सेप्ट का ये छोटा सा पार्ट था, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जब इलस्ट्रेशन करेंगे तो उस टाइम में फिर से इसे समझ लेंगे, और समझ करने टाइम आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में।